नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल और पेज में। तो ये आज हमने बनाई है मेथी और सोयाबीन की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत कम मसालों में, और टेस्टी बहुत होती है खाने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ मेथी से। हमने यहाँ मेथी ली हुई है करीब एक किलो। एक किलो मेथी को हमने पहले हल्का वॉश कर लिया, इसके बाद भी हम वॉश करेंगे क्योंकि इसके अंदर मिट्टी इतनी रहती है कि जाती ही नहीं है, और सब्ज़ी किसके तो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो इसलिए हम इसको डबल धोएंगे। इसको काट लेते हैं हम पहले, ज़्यादा बारीक ना काटें, नॉर्मल साइज़ में इसको काट लेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि आप काटें ही ना, ऐसे भी इसको डाल सकते हैं क्योंकि इसके पत्ते हैं और जड़ नहीं है। तो इस तरह से हम इसको एक बाल्टी में डाल देंगे, पानी में रखा हुआ है हमने, इसी में हमने सारी मेथी काट के डाल ली है। अब यहाँ पर हमने ली है सोयाबीन। ये सोयाबीन 20 रुपये की है मात्र, 10 रुपये का एक पैकेट आता है न्यूट्रीला का, तो ये दो पैकेट हैं 20 रुपये की। तो इसको हम निचोड़ लेंगे। इसको हमने इस पानी में भिगा के रखा था करीब 15-20 मिनट, तो ये पूरी तरीके से मुलायम हो चुकी है। इसको हमने निचोड़ लिया है, साइड में रख लिया हमने। अब यहाँ पे चूल्हे पे हमने लिए कढ़ाई। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सरसों का तेल। कढ़ाई के चारों तरफ लगा के डालें ताकि सोयाबीन जब आप फ्राई करेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। जैसे ही तेल हमारा हो जाए तो हम तुरंत इसमें डाल देते हैं सोयाबीन। अब सोयाबीन को हमें तलना है लाल करके पूरा, तो पूरी तरीके से वो लाल हो जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे तेल में से। तो चलिए फटाफट से तल लेते हैं सोयाबीन को। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये सब्ज़ी आप कभी भी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिए फ्राई हमारी हो चुकी है, सोयाबीन लाल हो चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में, इसका यूज़ हम अब बाद में करेंगे। अब हमें तेल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, जो तेल इसमें बचा होगा उसी में हम सब्ज़ी फ्राई करेंगे क्योंकि सोयाबीन के अंदर तेल ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो देखिए सोयाबीन हमारी तली हुई तैयार है, इस तरह से आपको तल लेना है। और अब यहाँ पे हम डालेंगे उसी तेल में प्याज। प्याज को अच्छे से तल लेते हैं थोड़ा सा। इसको इस तरह तल लेते हैं, जब हल्का तल जाएगा तब इसमें डालेंगे मिर्च। बाकी मसाले मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इसमें मिर्च ऐड कर देते हैं। ये हरी मिर्च हमने काटी हुई है बड़ी बड़ी। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो आपको दिखाया था पेस्ट अदरक लहसुन का, वो हम पेस्ट इसमें ऐड कर लेंगे। इसके अंदर अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन और प्याज है। प्याज और लहसुन का पेस्ट आप चाहें तो बना के भी रख सकते हैं, बहुत दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वो पेस्ट थोड़ा सा इसमें डाला है। अब यहाँ पे हमने टमाटर काटा है एक बड़ा, उस टमाटर को भी ऐड कर देंगे। अब टमाटर के साथ भी मसाले को फ्राई करेंगे। ऐसे ही आपको धीरे धीरे फ्राई करते रहना है, पूरी तरीके से कोई भी चीज़ फ्राई नहीं करनी है। जैसे ही आपका एंडिंग ये टमाटर के बाद हो जाएगा, फिर आपका मसाला पूरी तरीके से सारे भून चुके होंगे। तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं पहले। अब बताता हूँ आपको सूखे मसाले। तो यहाँ पे हमने लिया है गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इन सब चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। मसाले आपने ध्यान से देख लिए होंगे। अब इन मसालों के साथ भी इसको अच्छे से फ्राई करना है। और जो सोयाबीन का बचा हुआ पानी था हमारे पास, उस पानी को हम थोड़ा थोड़ा डाल डाल के इसको फ्राई करेंगे, जिसमें हमने सोयाबीन भिगाई थी उसी पानी को। इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं होता है लेकिन मसाले भूनने के लिए और लगे ना, इसलिए हम हल्का हल्का पानी यूज़ करेंगे। तो ये बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाए, तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करते हैं और इसको थोड़ा भूनेंगे। अब इसके बाद इसमें हम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, आधा गिलास से भी कम पानी हमने यूज़ किया है। जैसे ही मसाला हमारा हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे मेथी जो हमने साइड में काट के रखी हुई थी। इसको हम पानी में से निकाल लेते हैं और निचोड़ निचोड़ के इसमें डाल देंगे। तो चलिए फटाफट से डाल लेते हैं। मेथी हमने यहाँ पे ऐड कर ली है, अब इसे मेथी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें आलू का यूज़ नहीं किया है, अगर आप आलू यूज़ करना चाहते हैं तो आलू भी इस समय डाल दें, लेकिन जब सोयाबीन के साथ मेथी है तो सोयाबीन के साथ ही बनाएंगे। आलू वाली मेथी आपको फिर कभी बना के दिखाएंगे, अभी तो सीज़न है मेथी का, तो बहुत सारी रेसिपी मेथी की लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तो हमने इस तरह से सबको मिक्स कर लिया है।
तो देखिए मेथी कम हो चुकी है, अच्छे से मेथी पानी छोड़ रही है और उसी के पानी में ये पक भी रही है। तो इसे हम ढक के पकाएंगे। तो हमने इसे 3 से 4 मिनट पकाया, तो ये मेथी हमारी लगभग 90% तक हो चुकी है। अब हम इसमें सोयाबीन ऐड कर देंगे और सोयाबीन के साथ भी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमें इसका पानी सुखा देना है पूरी तरीके से। तो गैस को आप फास्ट रखिए, गैस पे बनाएंगे तो इसका पानी हमें पूरा सुखाना है। अब ये सब्ज़ी 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाती है। तो इसे ढक देते हैं हम और करीब छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और पानी पूरा सूख चुका है सब्ज़ी का। मेथी और सोयाबीन एकदम चिपक चुके हैं आपस में और सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, फॉलो कर लीजिए पेज को, और यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको सब्ज़ी कैसी लगी। ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगती है, और दूसरी क्या रेसिपी आपको चाहिए वो भी हमें बताइए। हम ज़रूर आपकी कमेंट पढ़ेंगे और लेके आएंगे रेसिपी आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।